हेलो और कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेवन यूजफुल मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट फोर के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस फॉर न्यू अपडेट्स तो आज हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ द यूजफुल मेथड यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फर्स्ट है वर्क्स कमिटीज कंसल्टे ऑफिसर्स बोर्ड ऑफ कंसल्टे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स ये हमारे हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या क्या कॉजेज होते हैं वो हम पिछले वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फॉलोइंग इज द मशीनरी फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रोवाइडेड बाई द एक्ट फर्स्ट वोज हमारा वर्क कमिटीज दिस कमिटीज कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज अंडर द इंडस्ट्रील डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन फोटी सेवन वर्कर कमिटीज़ एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्रियल एक्स्टिब्लिशमेंट इन विच वन हंड्रेड और मोर वर्कमैनस आर इम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रिवियस ईयर इट कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयस वर्कमैन जो कमेटीज़ होती हैं जो बनाई गई हैं वो एग्जिस्ट करती इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर तो अगर जो वर्कमैन कमेटी कह देगी या वर्कमैन कमेटी बोल देगी भाई ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग ऐसा नहीं तो वो लोग वो चीज़ नहीं कर सकते तो इसीलिए लिए वर्कमैन कमेटीज़ बनाई जाती हैं तो वर्कर और जो कमेटीज़ हैं वो उन सब लोग उनकी बात मानते हैं अगर वो डिस्प्यूट होता है तो नेक्स्ट है कंसल्टेशंस ऑफिसर्स कंसल्टेशंस ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट 1947 1947 के अकॉर्डिंगली ये लोग अपॉइंट किए गए थे इनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी ही हैज़ टू एवरी थिंग फॉर ब्रिंगिंग ए फेयर एंड अमेकेबल सेटलमेंट फॉर द डिस्प्यूट इन द केस ऑफ पब्लिक एंटिल सर्विसेज ही मस्ट होल्ड कंसलेशन प्रोसेसिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इनके पास सारी वो फेवर्स होते हैं सारे वो पावर होते हैं जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए होने चाहिए ये सेटलमेंट उनका करवा सकते हैं ये सारा फेयरली काम करेंगे इनको कोई भी वो नहीं होता है और पब्लिक सर्विसेस के अंदर ये सब चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एक अपने मैनर के अंदर एक अपनी अपने तरीके से उस चीज़ को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ही सेल सेंड अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ़ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड इन द कोर्स ऑफ द कंसलेशन प्रोसेसिंग अलोंग विद द मेमोरेंडम ऑफ द सेटलमेंट साइंड बाय द पार्टीज़ ये क्या कर सकते हैं ये क्या करेंगे ये एक रिपोर्ट सेंड करेंगे गवर्नमेंट को कि भई हमने जो डिस्प्यूट है वो कौन्सलेशन प्रोसेसर के थ्रू ही सम उसको सॉल्व कर दिया है मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली और मेमोरेंडम ऑफ द सेटलमेंट उसको साइन करके दोनों पार्टीज़ के थ्रू वो उस चीज़ को देनी पड़ती है कि भाई हमने कौंसलेशन प्रोसेस के थ्रू ही हमने दोनों इस डिस्प्यूट को सोल्व कर दिया है और इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है और ये डिस्प्यूट ख़त्म हो गया है नेक्स्ट है बोर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट अ बोर्ड ऑफ कॉन्सिटेश फॉर प्रमोटिंग सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड अदर मेम्बर्स मे बी टू और फोर आर टू बी इक्वली रिप्रेजेंटेड बाई द पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स दैन जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है बोर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रमोट करती है मतलब देखो हमने वर्कमैन कमेटी बना दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस बना दी अब बोर्ड ने कॉन्स्टिटेशन अपॉइंट किए हैं जिससे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं ये क्या करते हैं जो चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन का वो दो या चार हो सकते हैं तो वो इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं दोनों पार्टी को और उस चीज़ को सोल्व करने में हेल्प करते हैं मतलब दोनों पार्टी इसको इक्वली रिप्रेजेंट करके उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कर देते हैं ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड इंक्लूड द इन्वेस्टिगेट एंड द disputes and all matter affecting the merits and do all things as things fit for the purpose of inducting the parties to become to a fair and amicable settlement सारी चीज़ें देखभाल के मतलब अगर उनको सेटलमेंट करना तो वो सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करके सब चीज़ों को देख के परख के उसके बाद वो सेटलमेंट करते हैं दोनों पार्टीज की बातें सुन के फिर वो डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो अ रिपोर्ट हैज़ टू बी सेंट टू द गवर्नमेंट बाय द बोर्ड वेदर ए डिस्प्यूट इज सेटल्ड और नॉट विद इन टू मंथ्स ऑफ द डेट ऑन विच द डिस्प्यूट वॉज रेफर्ड टू इट जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को सेंड की जाती है अगर डिस्प्यूट सोल्व हो गया है या नहीं हुआ है बट वो रिपोर्ट हमें सेंड करनी पड़ती है नॉट विद इन टू मंथ्स ऑफ द डेट जब तक मतलब वो दो महीने उसको हो गए हैं उसके ऊपर अगर हो गए तो हमें उसकी रिपोर्ट जो है वो सेंड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को फिर है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी द गवर्नमेंट में अपॉइंट अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर इंक्वायरिंग इनटू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अ कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन इन द केस ऑफ एनी पर्सन विल बी द चेयरमैन द कोर्ट शैल इंक्वायरी इन द मैटर ऑफ सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ देन कोर्ट की एक इंक्वायरी होती वो एक और एक से ज़्यादा बंदा भी उस इंक्वायरी को कर सकता है वो सारी चीज़ों को देखता है परखता है भाई क्या चीज़ें हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए और वो जो इंक्वायरी है वो हमें जो मैटर है वो सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को पीरियड ऑफ विद इन सिक्स मंथ छः महीने के अंदर हमें वो की इंक्वायरी उसको देनी पड़ेगी नेक्स्ट है लेबर कोड द गवर्नमेंट हैज सेट अप लेबर कोड्स फॉर डीलिंग विद द मैटर स्पेसिफाइड द सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने लेबर कोर्ट्स भी बनाए हैं उनके डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए इसके अंदर क्या मैटर इंक्लूड किया जाता है द प्रायोरिटी और लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द एम्प्लॉयज अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो प्रायोरिटी और लीगलिटी है जो पास की गई है एम्प्लॉयज़ के थ्रू वो प्योर है या नहीं है वो सही है नहीं है पासड ऑर्डर वो उस चीज़ के बारे में पास करते हैं ऑर्डर एंड द अप्लीकेशन एंड इंट्रीपेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डरस एप्लीकेशन और इंट्रीपेशन जो हमारी स्टैंडिंग ऑर्डर की होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है डिस्चार्ज और डिसमर्सल ऑफ वर्कमैन इंक्लूड रिजमेंट और ग्रांट ऑफ रिलीफ टू द वर्क मैन रॉन्गफुल्ली डिसमिस्ड जो डिसमिशल्स होते हैं जिसके अंदर हमारी ग्रांट्स होते हैं जो गलत तरीके से उसको डिसमिस किया गया होता है वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं विड्रोवल ऑफ एनी कस्टमरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रीवेलिंग वेलिंग विड्रोवल जो भी से कॉन्सिक्वेंस उन्होंने विड्रो किए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं लीगलिटी और अदरवाइज ऑफ द स्ट्रिक और, और लोकआउट एंड जो लीगल्टी जो भी चीज़ें होती हैं और जो लॉकआउट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ऑल द मैटर अदर देन दो स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल सारे जो मैटर जो स्पेसिफाइड ते हैं हमारे थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं सारा मैटर उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स अ ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एडजस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल जो थर्ड शेड्यूल से जो मैटर होता है उसको सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स गवर्नमेंट उसको एडजस्ट करती है इसके अंदर क्या क्या मैटर होता है वेजेज़ इंक्लूड द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट जो उस पीरियड के अकॉर्डिंगली जो वेजेज है वो और जो हमारा पेमेंट का मोड है वो एंड कंटेम्प्रेरी एंड अदर अलाउंस जो कंटेम्प्रेरी अलाउंस एंड अदर अलाउंस उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो हावर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इन इंटरवल्स कितने घंटे वो काम करते हैं कितने घंटे वो रेस्ट करते हैं वो सब चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं लीव विथ वेजेज एंड हॉलीडेज जो लीव आई हैं और जो हॉलीडेज हैं वेजेस हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है बोनस प्रॉफिट शेयरिंग प्रोवाइडिंग फंड एंड ग्रेज ग्रेजुएटी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी शिफ्टिंग वर्किंग अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडिंग ऑर्डर जो शिफ्ट वर्किंग है कितने घंटे वो शिफ्ट करते हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है क्लासिफिकेशन बाय द ग्रेड्स ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी रूल्स ऑफ डिसिप्लिन जो सारे रूल्स हैं डिसिप्लिन के वो भी एंड रेस्लाइजेशन रेस्लाइजेशन भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है Last but not least, our National Tribunals. A national tribunal is the constituted by the central government of assistance of the industrial disputes involving question of national importance. A national tribunal shall consist of one person only by appointed by the central government. A person who is or has been judged of High Court or who has held the office of the chairman or member of the Labour Appeals Tribunal is eligible for the appointment of. दिस ट्रबूनल देखो इन जो नेशनल ट्रिब्यूनल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एडजस्ट किया जाता है इसके अंदर क्या होता है जो नेशनल ट्रिब्यूनल्स है उसके अंदर एक पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है या तो वो जज होगा हाई कोर्ट का या फिर हमारा ऑफिसर ऑफिस office में कोई चेयरमैन मेम्बर जो होगा लेबर अपील का ट्रबिनल का वो होगा जो अपॉइंट किया जाता है इसको सोल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और हमारी यूनिट फोर भी कंप्लीट हो गई है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस भी कम्प्लीट हो गया है और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अगर आपको कुछ पूछना और इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो मेरा इंस्टाग्राम जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाके उस पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं फिर मेरे एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो